video. I am Adil Albi and you are watching the Biomed Dude. Today we are discuss about the DR system. मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक DR system है. ये similar to X-ray होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप CR जो computerized radiography है उसको आप use नहीं करते. इसके साथ डिटेक्टर सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम एक्सरे परफॉर्म करते हैं. तो ये हमारे पास DR सिस्टम जो है वो सीमेंस कंपनी का सीलिंग माउंटेड सिस्टम इंस्टॉल है. इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या जो है वो फीचर्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो DR सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले इस तस्वीर को देख लेते हैं. इसमें जो डिजिटल रेडियोग्राफी है, सबसे पहले हमारे पास ऊपर जो एक्सरे ट्यूब आ जाती है जो एक्सरे जनरेट करती है, उसके बाद पेशेंट है, ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर से पेनिट्रेट हो गए, नीचे हमारा एक्सरे डिटेक्टर सिस्टम लगा हुआ है, इसके ज़रिए डायरेक्ट इमेज जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर हासिल कर लेते हैं. तो गाइज ये टेबल है जो कि अप डाउन हो जाता है, और इसकी जो डिटेक्टर है ये नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो ये लगा हुआ है ये जो ये भी पूरा चेंज हो, ये भी जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. इसके साथ ये सीलिंग माउंटेड एक्सरे है, एक्सरे ट्यूब लगी हुई है इसके ऊपर, यहाँ से आप कॉलिमिशन वगैरह सेट करते हैं और इसके जो है वो रीडिंग वगैरह सेट करके आप उसको पेशेंट की पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं. तो ये पूरा आगे और पीछे हो जाता है और स्लाइड भी हो जाता है. और इस तरह ये साइड के ऊपर ये चेस्ट स्टैंड है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली अप एंड डाउन करते हैं, इसका स्विच लगा हुआ है, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ. और इसका जो कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पर है, तो इसका ये कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे है जहाँ से ये एक्सरे जनरेशन होती है जिसके बाद ये आगे जाता है. तो इसका पावर ऑन ऑफ है, यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे. ऑन करने के बाद ये अपना इनिशियल टेस्ट फेज पास करेगा, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट पास करने के बाद इनिशियलाइज सेट करेगा, उसके बाद मैनुअल रीडिंग आपको बता देगा. इस तरह ये डिटेक्टर भी ऑन हो गया है, आपका ये कॉलिमेशन भी ऑन हो गया है. तो ये हमारा कंसोल रूम है, यहाँ पर हमारे पास इसका कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसको भी हम ऑन कर लेंगे. और इसके बाद इसकी भी ट्रबल शूटिंग होने के बाद यहाँ पे जो है इसका यहाँ से एक्सपोजर करते हैं, और यहाँ पे हम इसका रीडिंग वगैरह सारे पैरामीटर यहाँ से सेट करते हैं, उसके बाद इसको चलाते हैं. तो अभी मैं इसकी जस्ट लाइक जैसे पेशेंट की हम एंट्री करते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं वो भी आपको बताता हूँ. तो अभी हम मशीन पर चलते हैं. ये जो है वो लेड ग्लास लगा हुआ है जिसके साथ आप एक्सपोजर जो है वो जो ऑपरेटर है उसको नहीं डिटेक्ट करता. आप यहाँ से अंदर से ही जो है वो देख के अब पेशेंट की पोजीशन बना के उसका एक्सपोजर कर लेते हैं. तो अभी मैं बाहर जाके आपको मशीन की एडजस्टमेंट दिखाता हूँ. तो ये मशीन का पूरा पैनल है जिसके ऊपर एंगल्ट बने हुए हैं, ट्यूब के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट डिग्रीज के ऊपर और सेकंड्स के ऊपर एडजस्टमेंट कर सकते हैं. और इसी तरह ये कॉलीमीटर सेक्शन है, यहाँ से आप जो कॉलीमेशन है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं. ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेबल है इसके ऊपर कॉलीमेशन, अभी मैं इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा हूँ, इससे जो कॉलीमेशन है वो कम और ज़्यादा हो रही है. इधर भी जो है वो चेंजिंग होती है एज़ पर कॉलीमेशन रिक्वायरमेंट. उसके बाद हम इसकी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और इसकी जो है यहाँ से प्लस माइनस हम कर सकते हैं ट्यूब के एडजस्टमेंट्स को, और ये इसका तरीका काला कॉलीमेंट को एडजस्ट करने का. अब इसकी पोजीशन बनाते हैं, अभी चूंकि ये टेबल के ऊपर है तो ये ग्रिड लगा हुआ है, इसको आप नीचे से निकालेंगे, ये इसका डिटेक्टर है पूरा, और इसको एडजस्ट हम कर सकते हैं. सो अभी जो है इसकी मैंने रोटेशन जो है वो हमने अपने जो चेस्ट स्टैंड है उसकी तरफ कर दी है. चेस्ट स्टैंड को आप ऊपर लेकर आते हैं, इसके यहाँ पर स्विचेस लगे हुए हैं, इसको आप प्रेस करेंगे तो चेस्ट स्टैंड हमारा ऊपर आ जाएगा. इसके ऊपर भी अलग से जो है डिटेक्टर लगा हुआ है, और इसके साथ ये कॉलिमेशन से आप इसकी अलाइनमेंट दे सकते हैं कि कहाँ पे आपकी एक्सरे बीम जो है वो पेशेंट के ऊपर जाएगी. अभी इसको सेंटर भी करने के लिए ये आप देख रहे हैं निशान, ये इसका सेंटर में आना चाहिए, तो ट्यूब को थोड़ा सा पीछे करके इसको सेंटर कर लेते हैं. तो ये आप देख सकते हैं अभी जो है इसकी इल्यूमिनेशन भी ऑन हो गई है, और जो हमारा डिटेक्टर है वो उसकी सेंटर पोजीशन तकरीबन आ गई है. इस तरीके से आप पेशेंट को स्टैंड पोजीशन के ऊपर उसका चेस्ट एक्सरे या लेग्स का एक्सरे, आप नीचे वाली पोर्शंस का एक्सरे आप इस तरीके से आप कर सकते हैं. अब इसका ये वाली सेटिंग करने के बाद हम अपने कंसोल पे जाते हैं, वहाँ पे हम इसको उसका प्रेस करके उसका एक्सपोजर देते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं पेशेंट की जो सेटिंग होती है. तो ये हमारा जो कंसोल है ये रेडी हो गया है ऑपरेटर, ये हमारा कंप्यूटर हमने स्टैंड बाई पे कर दिया था, ये कंसोल रेडी हो गया है. यहाँ पे हमने इसकी
पेशेंट की एंट्री करनी है और पेशेंट का एक्सपोजर सेट करना है। उसके बाद हमने इसको प्रोसीड कर देना है इस एक्सपोजर के स्विच के ज़रिए, जिससे हमारा एक्सरे जो है वो परफॉर्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इमेज जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद हम इसको कंसोल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा दूसरा कंसोल है, इसके साथ कंसोल के साथ हमारा जो प्रिंटर है वो अटैच है, तो कंसोल से डायरेक्ट जो है वो प्रिंट उसमें चला जाएगा प्रिंटर में, और वहाँ से प्रिंट एक्सरे का आ जाएगा। तो इसके अंदर ये है कि हम कैसेट को अब बार बार मूव नहीं करते, और कैसेट जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं होती, इसके अंदर डिटेक्टर इस्तेमाल होता है, उसके जरिए आप इसको एक्सपोजर करने के बाद डायरेक्ट इमेज यहाँ पे आ जाती है। तो ये इसका बेनिफिट है। अगर आप इस जो DR सिस्टम है इसमें आपको जो है वो जो KVMA है वो खुद से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपने पेशेंट एंट्री करनी है, उसका सारा डाटा आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप सिंपली इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, या आप एमरजेंसी के ऊपर प्रेस करके उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास स्टडी मैनेजर आ जाता है। स्टडी मैनेजर में क्या होता है कि आपने अभी कौन सा एक्सरे करना है उसकी आपने कैटेगरी डिफाइन ऑलरेडी डॉक्टर ने की होती है। जस्ट लाइक आपने एब्डोमेन के अंदर जो एक्सरेज हैं वो करने हैं, तो इसमें से सारी कैटेगरी ऑलरेडी सेट होती हैं, तो आपने उस स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। वो करने के बाद जस्ट लाइक ये चेस्ट का है, तो हमने चेस्ट का जो है ना वो एक्सरे ये करना है, तो चेस्ट का PA करना है या AP करना है ओनली, इसको आप प्रेस करेंगे। उसके बाद इसका वॉल चेस्ट PA कर लेंगे, इसको प्रेस करने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे या डिलीट कर देंगे या एग्ज़ाम कर देंगे, तो ये एग्ज़ाम पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद हमने जस्ट इसकी सेटिंग यही वाली करनी होती है। ये करने के बाद आप यहाँ पे अब आपके जो स्पेसिफिक सारे वो ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके जो है वो जस्ट लाइक हमने ये करना है, तो ये ऐड हो गया है वॉल चेस्ट एंड। उसके बाद थोड़ा सा ये रेडी पोजीशन में आएगा, और ये KVMA आप देख रहे हैं कि आप उसने खुद से सिलेक्ट कर दिया है। उसके सिलेक्ट करने के बाद हमने एक्सपोजर स्विच को प्रेस करना है। यहाँ से हम एक्सपोजर स्विच को प्रेस करेंगे, और करने के बाद इसको ओके कर देंगे, तो ये इसका एक्सपोजर जो है वो प्रॉपर दे देगा और यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा। तो ये था इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।